नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, जहां पहले दिन का खेल बारिश के कारण सिर्फ 32 ओवर का ही हो पाया। बारिश के आने से पहले अफ्रीकी गेंदबाजों ने घातक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया है। हेनरिक नोखिया ने 3 विकेट और कगिसो रबाडा ने 2 विकेट लिए। इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप एक छोर पर 61 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहले दिन इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर 116 रन बनाए। बुधवार को लॉर्ड्स के मैदान पर टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले गेंदबाजी करते हुए रबाडा ने इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को 25 रन पर पवेलियन भेजा। सबसे पहले दूसरे ओवर में एलेक्स लीज को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। उसके बाद 9वें ओवर में जैक क्रॉली को स्लिप में कैच आउट कराया। इसके बाद इनफॉर्म बैट्समैन जो रूट मार्को यानसन की स्विंग होती गेंद पर LBW आउट हो गए। रूट ने केवल 8 रन बनाए। इसके बाद हेनरिक नोखिया ने अपनी घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाले। सबसे पहले इस साल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जॉनी बेस्ट्रो को 0 पर बोल्ड किया। उसके बाद पहले सेशन की आखिरी गेंद पर कप्तान बेन स्टोक को 3rd स्लिप में आउट कराया। स्टोक्स ने 20 रन बनाए। इस तरह पहले सेशन में इंग्लैंड ने अपने 5 विकेट खोए और 100 रन बनाए। इसके बाद दूसरे सेशन में भी नोखिया लगातार अपनी तेज गेंदों से बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल रहे थे। इसके बाद बारिश आने से पहले नोखिया ने विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फोक्स को बोल्ड कर इंग्लैंड को छठा झटका दिया। हालांकि एक तरफ ओली पोप क्रीज पर डटे हुए हैं और 87 गेंद खेलकर 61 रन बना लिए हैं, और उनके साथ दूसरे छोर पर स्टुअर्ट ब्रॉड हैं। इंग्लैंड उम्मीद करेगा कि ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर टिके रहें और स्कोर को थोड़ा आगे ले जाएं। इस मैच में हेनरिक नोखिया ने साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए टेस्ट मैचों में 50 विकेट भी पूरे किए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।